ये क्या हुआ कुछ पता ना चला, क्यों हादसा बन गया सिलसिला। टुकड़ों में तुम थे, टुकड़ों में मैं भी, टुकड़े मिले तो हम बने। ये दिल जिंदगी से खफा हो चला था, जिसे फिर से जीने के बहाने तुम बने। क्या हुआ कुछ पता न चला। आहान के साथ मूवमेंट करना इज अ बिग डिसीजन। या सडनली कैसे डिसाइड कर लिया तुमने? कार्तिक के साथ 5 ईयर प्लान किया था, वो फ्लॉप हुआ तो सोचा कुछ स्पॉन्टेनिटी ट्राई करते हैं। गुड गुड गुड। तो अब तुम कमिट करने के लिए रेडी हो? आहान मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसे बहुत सालों से जानती हूँ। आई थिंक इट मेक्स परफेक्ट सेंस। एंड एनीवेज एवरीवन अराउंड मी इज आइदर डेटिंग और गेटिंग मैरिड। हु इज गेटिंग मैरिड? नो वन आई नो। What? मैं आहान के साथ बहुत खुश हूँ and I want to give my best to this relationship. Give it your best. मेरे भाई को डेट करें या ओलंपिक्स की तैयारी? Ouch. Porno? लग रहा है यार आराम से it's hurting. Excuse me. ऊपर बार मैनेजर कहाँ है? मुझे चिकन सर्व किया। मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ और नवरात्रे चल रहे हैं। I'm going to sue them. Fantastic. You should. Do you have a lawyer? No. Hussein, please इन्हें हमारे लॉयर का कार्ड दे दो। I think you should sue. उसके जैसा कामचोर आलसी मैनेजर मैंने आज तक नहीं देखा। Thanks. I'm going to sue the manager. Thank you. Ow. क्या कर रही है यार? Literally pulling my hair. Okay, look, I get it. तू आहान के बारे में protective है, मैं समझती हूँ. But why are you making me sound like a heartless bitch? हरमन, जो 1 महीने के लिए मुझे कॉल करता रहा, because तूने उसे ghost कर दिया था. You do that with Ahaan, Samira. I swear. Please, यार. हरमन वाज अ मैन चाइल्ड। तुझे याद है वो अपनी मॉम के साथ अंडरवेयर खरीदने जाता था। ओके ऑलराइट। व्हाट अबाउट कपिल? ओह गॉड प्लीज, ही वाज वेरी इरिटेटिंग। ही यूज्ड टू बाबू मी। नो वन कॉल्स मी बाबू। जग्स देन। व्हाट अबाउट हिम? जग्स कौन है? यू डोंट इवन रिमेंबर? ओह वो जो निचोड़े हुए टाल की तरह लगता था, उसको तो मैंने नंबर भी ब्लॉक किया। एंड बाय द वे, व्हाट डिड यू डू विद बार्बी? पुअर बार्बी। दैट वाज डिफरेंट, ऑलराइट? Okay, look, I'm not taking some high moral ground here, Samira. But सच बता दे, are you even serious about Ahaan? Are you? चिकन में तो धरती का फूल है, खिला दिया तो क्या बता गई है? What? Agni? Sam, जब से तेरा और Ahaan का शुरू हुआ है ना, we have really become distant. Oh God, please, Agni, you don't get there, okay? वैसे भी यहाँ पोर्नो को तो लगता है कि मैं Ahaan को use कर रही हूँ. Wait, मैंने ऐसे कहा नहीं? You know that, right? And why are you involving her in our conversation? What? She so anyway feels insecure that oh, you and I have gotten closer because you've started dating Ahaan. Wow, wow. जिसका नाम ही porno है ना, उसकी opinion का वैसे भी कोई मतलब नहीं है. One second. First of all, it is Rituporno. Whatever. और समीर और मैं बात कर रहे हैं ना, तू क्यों बीच में interfere कर रही है? मैं टांग अड़ा रही हूँ. Out. Yeah, yeah. Out. He is going. I don't need to talk to you. टीचर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? अखंड चूतियों की एंट्री मना है। गेट आउट। अब भी। That's really sweet of you. लेकिन जब समीरा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे गुड, तो आप बीच में इतना क्यों चल रही हैं? Exactly, baby. Forgive and forget. I have the memory of an elephant. I forget nothing. हर बार अपने नाम को जस्टिफाई करना जरूरी है। पार्थ, पार्थ, पार्थ। मुझे नहीं पता था तेरे कसमों वादों की एक्सपायरी डेट इतनी जल्दी आ जाएगी। We're done here, और इसकी तो शक्ल ही नहीं देखनी है। अग्नि, do you want me to break up with Ahaan? I don't know, all right? But I do know this, that you said yes to Ahaan जब तुझे ये पता चला that we was getting married. Isn't that a little bit suspicious? You know what? मुझे तुझे कुछ भी justify करने की ज़रूरत ही नहीं लगती। कार्तिक आया, and I told him he cannot come to my pub, but then Parth started playing the husband card. अग्नि, सुन, please बात करें। सैम, मैं तेरी self respect के लिए ऊपर लड़ाई कर रही हूँ, and this is how you're behaving with me. यार तू बहुत इनसेंसिटिव हो गई है। सीरियसली, एग्जैक्टली, राइट? इनसेंसिटिव। तू इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गई that I don't even know what to tell you anymore, Samira. Don't tell me anything. You and Ahaan do whatever you want to do, but मैं तुझे तुझसे ज़्यादा बेटर जानती हूँ। तू मुझे नहीं जानती पोर्नो। और अग्नि, मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम का झंडा उठाकर ना तो मेरे बैटल फाइट करे। एक सेकंड, फॉर द रिकॉर्ड, मेरे और कार्तिक के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है? सो आई डोंट वांट एनीवन ऑफ यू टॉकिंग फॉर मी, नॉट यू अग्नि, नॉट यू पोर्नो, बिकॉज़ आई एम फकिंग सिक ऑफ दिस। या राइट, सिक ऑफ इट, आई एम सिक ऑफ इट। मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, मेरे तो दोस्तों लोग मुझे इसका भरा सोचना ही नहीं चाहिए। सॉरी। हाय अग्नि। हाय, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं कार्तिक को जब भी देखती हूँ ना मुझे ऐसी सड़ी हुई गंदे नाले की फीलिंग आती है ऑनेस्टली। वो यहाँ पर है क्या? हाँ यार, तुम बताओ गलत है क्या इफ आई से कि ये मेरी पब में नहीं आएगा बिकॉज ही ट्रीटेड सैम सो बैड? कुछ भी बोल रहा है, साइको, स्टॉकर। हमारी सैमसन को, तुम्हारे लिए सैमसन है ना, उसके सामने तो अबला थी, उसके बाद ये वापस आया एंड he said, oh I want you back. Honestly, if I was in your place, I would rather be careful. I can't believe समीरा ने सब बताया नहीं मुझे। It's okay यार, मुझे भी कुछ नहीं बताते हैं ये लोग आजकल। I'm sorry. यार तुम दोनों मेरे लिए इतने precious हो। I don't want anyone to get hurt, Sam. And please, I can't choose between the two of you. No. I'm sorry too. Don't even know who he is and what's his problem. ये सैम का नया बॉयफ्रेंड है और तू हरामी एक्स है, that is his problem. बॉयफ्रेंड? क्यों? तुझे प्रॉब्लम है क्या? उसी क्यों प्रॉब्लम होगी? अरे तुम इसे क्यों डिफेंड कर रही हो यार? मैं उसे थोड़ी डिफेंड कर रही हूँ। Guys, what the fuck is wrong with everyone today? Hi guys, this is Debbie, वीर की गर्लफ्रेंड और मेरी नई बेस्ट फ्रेंड। Excuse me. कार्तिक इन्हीं के पोस्टर्स हमारे पब में लगा रहा था और मैं यूं ही हाइपर हो रही थी, है ना? और ना, थैंक्स फॉर लेटिंग अस प्रमोट आवर वाइन अग्नि। हे, यू वेलकम। अब क्या मास्टर प्लान था इस बकवास के पीछे? कुछ नहीं यार, दिल खुला रखना चाहिए ना नए दोस्तों के लिए, बिकॉज पुराने दोस्तों का तो कोई भरोसा नहीं रह गया। हाय एवरीवन, हे वी हैव मेट बिफोर द वॉशरूम। या हाय, स्मॉल वर्ल्ड। या Excuse me. Yeah. Sam? Samira! Hey, Psycho X! Hey! Hey! Hi. Dean, hi, hi. How are you? Long time. Yeah? एक्चुअली मुझे कहीं जाना है। I'm getting really late. I'll see you later. तो मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे रास्ते में नहीं पड़ेगा। I'll take a rickshaw. Don't worry. Bye bye bye. अरे भैया खाली है? हाँ जी, किधर जाना है? भैया लंबा भाड़ा चलिए। अरे कोई लंबा भाड़ा नहीं है। ओ भैया, कोई लंबा भाड़ा वाड़ा नहीं है। ये गोल गोल घुमा के ट्रैफिक में फंसा देगी आपको। भागो यहाँ से। अरे गेट इन, आई विल ड्रॉप यू। यार समीरा इतने टाइम बाद मिले। आई एम ड्रॉपिंग यू वेयरएवर यू हैव टू गो, ठीक है? अब तुम सोच लो ट्रैफिक कितनी देर फंसा के रखना है सॉरी। कैसी हो तुम? ठीक हो। मेरे फोन कॉल्स का और मैसेजेस का तो जवाब दिया नहीं तुमने। यू नो इट सडनली फेल्ट लाइक यू गोस्टेड ऑन मी। और उस दिन वहां पे ऊपर छत पे इट वाज सो रैंडम टू बम्प इनटू यू। आई रियली मिस्ड यू मैन। आई एम सो हैप्पी टू सी यू नाउ। ये तुम्हारा जीपीएस खराब है। इट्स स्टिल शोइंग अस एट द पब। ओह नहीं नहीं, ये गाड़ी का जीपीएस नहीं है, ये डेबी की लोकेशन दिखाता है। डेबी माय गर्लफ्रेंड। तुम अपनी ही गर्लफ्रेंड को स्टॉक कर रहे हो। आर यू क्रेजी? मैं उसे स्टॉक क्यों करूंगा यार, एविडेंस सामने है। अरे नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि डेबी शहर में नहीं है एंड गिवन हर कंडीशन राइट नाउ शी। ओह ओके या सो या भाई इट्स जस्ट अ हार्मलेस यू नो लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। यार तुम अपना फोन उठाओ ना, तुम्हारा फोन इतनी देर से बज रहा है। कहाँ हो तुम? You just left like that. काम है। क्या काम था बताया नहीं? सब बताना जरूरी है। अरे I just meant कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता, you know? Well, you were too busy being a 10-year-old. I didn't want to drive with a 10-year-old. Okay. Listen. Sorry. आके बात करती हूँ। Love you. Debbie, this is Ahaan. Hi. Hi. He's an event planner, and she's planning to launch a new wine list. Oh, lovely. So maybe you two can work together. वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? वाओ। वाओ क्यों? नहीं, जिस तरह से तुम बात कर रही थी उससे। नॉर्मली बात कर रही थी। ये तुम्हारा वाला नॉर्मल ना बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड था। यार सैम तुम बदल गई हो यार। तुम भी तो बदल गए हो। Oh, yeah, Debbie. Beautiful. Thanks. I know. You know तुम सही कहती थी समीरा. When you find the one ना तो पीछे नहीं हटना चाहिए. You know Debbie जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी बदल गई है और मुझे खुद यकीन. यार रोको ना लेफ्ट में. या लेफ्ट में या just stop here please please या. बस रोको. यहाँ. हाँ ये शॉर्टकट है. Oh. Thanks Veer. तुम ऐसी चली गई, मैं तो डर गया था यार, तुम मुझसे नाराज हो। How long did it take you to figure that out? Talking about Kartik, it really hurt you यार। बच्चों उसने जो किया वो किया, I don't care। तुमने जो आज किया ना? मैंने क्या किया? तुम चाकू लेकर मेरे एक्स के साथ 5 फिंगर फिले खेल रहे थे। And you're acting as if you've done nothing. Who does that, Mushroom? यार I got angry जब अग्नि ने मुझे बताया तो तुम कुछ भी नहीं बताती हो मुझे। I got jealous. You loved that asshole so much, Samson. I want you to drunk dial me too, yeah. Grow up, Mushroom. मैं 6'2" हूँ, पहाड़ बन जाऊँ क्या? Shut up. Okay, I gotta go. What now? हाँ, clinic से message है. Someone is there to adopt one of the puppies we'd advertised about. Yes. Please don't go. Don't go, yeah. Listen now, wait. Bye. Come back soon. तो आहान को तुमने कार्तिक के बारे में सब कुछ बता दिया, बट मिस्टर ने के बारे में कुछ नहीं, right? क्या बताती? और क्यों बताती? I'm in a relationship, not reporting to some CIA. और उसके बाद मेरा उससे मिलने का ऐसा कोई प्लान भी नहीं था। नहीं था। Hi. I was hoping. कि तुम यही मिलोगी। मुझे एक पपी अडॉप्ट करना है, डेबी के लिए गिफ्ट है। तुम्हें डॉग्स की एलर्जी है। नहीं? राकेश? हाँ, लेकिन डेबी को डॉगीज बहुत पसंद है। ऐसे क्यों देख रही हूँ? मैं एंटी एलर्जन टैबलेट्स ले रहा हूँ। थोड़ी देर में देखना तुम, हो जाऊंगा एकदम एलर्जी फ्री। गुड बी। और आज के बाद विटामिन की तरह रोज एक एंटी एलर्जिक टैबलेट भी लेना। यू बी सॉर्टेड। देखो, होता यह है कि किसी भी रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने के लिए ना हमारा अडैप्ट करना बहुत जरूरी होता है, जैसे मैं अडैप्ट कर रहा हूँ। वीर, तुम जो भी कर रहे हो ये बहुत अनहेल्दी है। Just saying as a friend. हाँ, I agree. इसलिए तो मैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉग को पागल हो गया है। उसे कुत्तों से सीवियर एलर्जी है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक पपी गिफ्ट कर रहा है। इनफैक्ट उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद मुझसे कहा that he stifles her. Why is he behaving like this? क्यों? तुम अपने आप को रीइन्वेंट कर सकती हो, मिस्टर इंडिया, क्यों नहीं? बट मोर इम्पोर्टेंटली, उसके बदलने से तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? I'm in a happy relationship. राइट, ओके, उस रात के बारे में बात करते हैं। फिर क्या हुआ? Here you go. Thank you. Good luck with the pills. वैसे तुम घर कैसे जाओगी? बॉयफ्रेंड आएगा तुम्हारा? I can get myself home. हम खुद को एक दूसरे की लाइफ पर इतना इम्पोज नहीं करते। इम्पोज? You know, जब भी इतनी तेज बारिश हो रही होती है और डेबी बाहर होती है ना, मैं हमेशा उसे जाके पिकअप करता हूँ। इसी बहाने वी एंड अप हैविंग अ कोजी रोमांटिक ड्राइव। तुम तो अपनी कार के जीपीएस पे उसका लोकेशन ट्रैक करती हो। आई थिंक इट्स वेरी रोमांटिक। नहीं, मेरा और अहान का ना रिलेशनशिप थोड़ा डिफरेंट है। हम एक दूसरे को बहुत स्पेस देते हैं। वैसे इफ यू डोंट माइंड, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का, इसलिए वो तुम्हें आया नहीं लेने? क्योंकि मैंने गाड़ी में सुना था। अहान ऐसा है ही नहीं। In fact, he always offers to pick me up, you know. You know what? मैं तुम्हें drop कर देता हूँ, समीरा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। Come on, समीरा, it's just me. मुझसे क्या छुपाना? अरे पर हमारा झगड़ा हुआ ही नहीं है। Look at this. You talk of the angel and the angel messages. He's on the way. He's saying traffic में अटक गया. Great. तो मैं तुम्हारे साथ उसका यहीं wait करता हूँ. Oh, you know, I owe you this much. Sure. Yeah. ऐसे चाय मिलेगी वहाँ? हाँ. चाय? हाँ। चले? तो तुम्हें लगता है कि मैं वाकई उस दिन कूदने वाला था? Because it was Alina's birthday, like a suicide. इतना सोचा नहीं वीर। I saw, I reacted. मेरे हाथ में बिल्ली देखी थी तुमने? उसी को बचा रहा था मैं। I've moved on, Sam. Achoo! Yeah, sorry. पता है severe allergy से you can die. Sam, वो emo, वो मशपॉट, वो प्यार में पागल होने वाली Sam कहाँ है यार? Where is she? emo, मशपॉट, प्यार में पागल समीरा को तुम ही ने सिखाया था ना? To put yourself first before anyone. पर अब लग रहा है तुम वो भूल गए हो। तुमने तुम ऐसे क्यों कहा जैसे कि कोई गलत बात है? बिल्कुल है। क्यों? मैं अपनी पिछली गलतियों से सीखी हूँ। Look at me now, I'm a better version of myself. यार better or worse तो मतलब नजरे की बात है ना। But you know what? तुम जैसी भी थी, you were perfect. I was wrong. हाँ ना गया। मैं निकलती हूँ। Are you okay? ठीक हो तुम? यार मैं बिल्कुल घबरा गया था। क्यों घबरा गए माशी? और मैंने तुम्हें मना किया, फिर भी तुम मुझे पिकअप करने चले आए। अरे तुमने 10-12 मैसेजेस भेज दिए थे, वो भी कोड लैंग्वेज में। मैसेजेस? कौन से मैसेजेस? हाय। हाय। That's Veer. हाय। हाय वीर। वीर? डेबी वीर? या, डेबी's वीर। Such a small world यार। मैं अभी आज ही डेबी से मिला अग्नि की पब में। या रियली? वो बता रही थी तुम्हारे वाइन रिलॉन्चिंग इवेंट के बारे में। It's very interesting. Thanks. तुम एक दूसरे को जानते हो? Not really. He's Kartik's cousin, so anyway, he was here to just adopt one of the puppies. घर चले? कब? I'll see you. I've never seen you so eager to get home with me. And what's with so many random messages? But messages थे. तुमने आहान से झूठ क्यों बोला? मैंने उसे झूठ नहीं बोला. इनफैक्ट जिसे मैं कल मिली, मुझे ऐसा लगता है मैं उसे जानती ही नहीं हूँ. What? Why you smiling at me like that? कुछ नहीं. एक साल बाद तुमने डेबी के अलावा किसी और की बात की है. And that happens to be Samira. Yeah, that's because I met her yesterday twice. और मजा भी आया होगा ना मिस्टर इंडिया के सामने अपनी हैप्पी लव लाइफ को प्रोजेक्ट करने में. Did you just say project? I wasn't projecting. There's something very artificial, very forced about her and her boyfriend. There was something so off about him. Like he was trying to be something else or someone else. And it seemed like she didn't want me to know more about that. And second of all, why should I care about him? दोनों बार my gut said the same thing. She needs help. उससे हेल्प की जरूरत है. She's not happy with her. मुझे लगता है he is not in a happy relationship. ये क्या हुआ? कुछ पता ना चला. जो मिल गए